बिग बॉस 17 में जिस तरीके से ईशा मालविया के करंट बॉयफ्रेंड समन जुरैल की एंट्री हुई थी, जिसके बाद सब लोग हैरान हो गए थे, अब लगभग उसी तरीके से बिग बॉस के भोले भाले कंटेस्टेंट मुनव्वर फरूकी की जिंदगी में भी एक भूचाल आने वाला है। दरअसल उनकी अलेजेड गर्लफ्रेंड आयशा खान की एंट्री होने वाली है। हालांकि कुछ बातें शो के प्रोमो में भी सामने आ चुकी हैं, आइए आपको बताते हैं। बिग बॉस में दोस्ती, ड्रामा, टूटते रिश्ते, ब्रेकअप और शादियां होती रहती हैं। हालांकि इस बार का बिग बॉस सीजन लोगों को उतना तो पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन बिग बॉस की तरफ से पूरी मेहनत की जा रही है इस शो को एंटरटेनिंग बनाने के लिए। अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि शो के मेकर्स एक नया धमाका करने वाले हैं। मेकर्स बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आयशा खान को लेकर आने वाले हैं। जी हाँ, ये वही आयशा खान है जिनका नाम मुनव्वर फारूकी के साथ जुड़ चुका है और वो उन पर एक टाइम में दो गर्लफ्रेंड रखने का आरोप लगा चुकी हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे आयशा खान आखिर है कौन, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर आयशा खान ने बिग बॉस में आने के बाद क्या क्या खुलासे किए हैं। इनसाइड मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स मुनव्वर फारूकी के सामने आयशा खान की एंट्री करवाने वाले हैं। वो वीकेंड का वार स्पेशल में हिस्सा लेने वाली हैं। कहा जा रहा है कि वो मुनव्वर फारूकी के सामने अपनी लव लाइफ को लेकर कई सारे खुलासे करेंगी। अब दोनों के फेस ऑफ के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं। लोग जानने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं कि आखिर आयशा खान स्टैंड अप कॉमेडियन को लेकर क्या खुलासे करने वाली हैं और मुनव्वर टू टाइमिंग के एलिगेशंस को कैसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। हाल ही में बिग बॉस के इंस्टाग्राम ऑफिशियल हैंडल से उनका एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें वो कहती हैं कि आप सभी मुझे आयशा खान की तरह जानते हैं, कंटेस्टेंट है इस शो के मुनव्वर फारूकी, मेरा उनके साथ एक हिस्ट्री है, मैं बस ये चाहती हूँ कि लोग जानें कि वो जैसा दिखाते हैं वैसा कहीं से भी नहीं है। मुझे नहीं पता शो पर आप कह रहे हैं कि आप कमिटेड हैं, शो पर जाने से पहले आप मुझसे कह रहे थे कि आई लव यू, आप जैसी लड़की से तो शादी करना चाहिए, ये सब कुछ झूठ था, मैं आपसे माफी मंगवाना चाहती हूँ, बस मुझे लगता है कि मैं सिर्फ इसी वजह से अंदर जा रही हूँ। फिलहाल ये तो थी वो बातें जो आयशा खान ने अपने बिग बॉस के एक छोटे से प्रोमो वीडियो में कही है। इससे पहले आयशा खान एक इंटरव्यू में बिना मुनव्वर फारूकी का नाम लिए उन पर टू टाइमिंग के एलिगेशन लगा चुकी हैं। उन्होंने मुनव्वर फारूकी की गर्लफ्रेंड नाजिला सतीशी और उनके साथ टू टाइमिंग का आरोप लगाया था। तो चलिए, इतनी चर्चा है आयशा खान की, तो जान लेते हैं कि आखिर वो हैं कौन। आयशा खान के बारे में बात करें तो आयशा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उनके इंस्टा पर 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। फिलहाल वो मुंबई में अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती हैं। इसके अलावा वो एक तेलुगु फिल्म मुक्का चित्रम से डेब्यू भी कर चुकी हैं। जब से उनका नाम मुनव्वर फारूकी से जुड़ा है, वो लाइमलाइट में आ गई हैं। आयशा की खूबसूरती और किलर लुक्स की फैंस ने तारीफ की है। हाल ही में उनका एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो बाउंसर को डांस करते करते आगे जाने के लिए कहती नजर आती हैं। आयशा जितनी सुंदर दिखती हैं, उतना ही अपनी फिटनेस का भी वो ख्याल रखती हैं। उन्हें डांसिंग का शौक है, इंडिया हो या वेस्टर्न, हर आउटफिट में वो गजब ढाती रहती हैं। फिलहाल अब उनकी एंट्री बिग बॉस में होने वाली है और इस बार क्या तहलका मचाती हैं, ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे आयशा खान के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।